नमस्कार दोस्तों, अगर आप नवरात्रे के व्रत में हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। आलू ले लेंगे सबसे पहले और आलू को छील लेंगे और एक आलू को चार पार्ट इस तरह से कट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने किया है, और पानी में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे आलू को छील के कट कर लेंगे, देख सकते हैं दोस्तों। और आलू को हम अच्छी तरह से धो लेंगे दो तीन पानी से, ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए अच्छे से। तो मैंने तो यहाँ दो तीन पानी से आलू को धो लिया है। अब आलू को एक साफ़ कपड़े पे इस तरह से रख देंगे और इसके जितना भी पानी है सब सुखा देंगे अच्छे से पोंछ के। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना, आप लोग ज़रूर बनाइए, और आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। क्योंकि दोस्तों ये रेसिपी इतना स्वादिष्ट बनता है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि जो भी नवरात्रि के व्रत में हैं आपके फैमिली फ्रेंड वो भी इस रेसिपी को बना सकें और इन्जॉय कर सकें। तो दोस्तों मैंने सारे आलू को इस तरह से पानी इसका सुखा लिया है। अब बाउल में डाल के इसमें डालेंगे जीरा पाउडर आधा चम्मच, और आधा चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और हम मिला देंगे इसको अच्छे से। और फिर इसके बाद हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं दोस्तों, जो भी आप व्रत में तेल खाते हैं वो डाल लीजिए, नहीं अगर व्रत नहीं है तो भी आप कोई भी तेल डालकर बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बिना तेल का बनाना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा बनेगा, आप यहाँ तेल मत डालिए। अब इसके बाद मैंने एक बटर पेपर लिया है प्लेट के साइज़ का, प्लेट मोटी तली का है। अब बटर पेपर के ऊपर हम सारे आलू के स्लाइस को रख देंगे इस तरह से, बिल्कुल जैसे रख रही हूँ मैं दोस्तों इस तरह से, बाकी आप किसी भी शेप में आप अपने आलू को काट सकते हैं तो, और किसी भी शेप में रख सकते हैं, मैंने इस तरह से रखा है। अब इस तरह से रखने के बाद कढ़ाई मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर, तो अब कढ़ाई का ढक्कन हटाकर इस पर हम प्लेट रख देंगे आलू वाली इस तरह से, और 15 से 20 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर आलू को बेक कर लेंगे। और दोस्तों मैंने एक चीज़ इसमें नहीं डाला है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन सी चीज़ है। तो अब आलू एकदम पक चुका है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। हमने कढ़ाई में बेक किया है आलू को, कोई ओवन नहीं, कोई माइक्रोवेव नहीं, सिर्फ कढ़ाई में हमने इस आलू को बेक किया है दोस्तों, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम कलर है गोल्डन ब्राउन आ गया है, नीचे से बिल्कुल भी जला नहीं है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा दोस्तों, आप इस तरह से बनाइए। तो अब हम ऐड करेंगे आलू के ऊपर सेंधा नमक। सेंधा नमक दोस्तों व्रत में खाया जाता है, तो अगर आप व्रत में नहीं है तो कोई भी नमक डाल लीजिए। और अब थोड़ी सी हम लाल मिर्च डाल देंगे, अगर आप लाल मिर्च नहीं खाना चाहते हैं तो मत डालिए, वैसे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये लीजिए, ये बिल्कुल रेडी है, अब इसे आप दही के साथ खाइए, या आप कोई चटनी खाते हैं व्रत में तो उसके साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, और आप इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी मसाला हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तेल तो ना के बराबर है दोस्तों। ये देखिए कितने आसानी से टूट गया, इस आलू को एक छोटा बच्चा भी खा सकता है दोस्तों। तो आप लोग बनाइए, इंजॉय कीजिए, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय अंबे माँ।